पहुंचे चिराग पासवान। इस वक्त की बड़ी खबर, घर से गायब चाचा, 20 मिनट तक गेट पर इंतजार करते रहे चिराग, लेकिन देखिए वहां पर चाचा नहीं मिले। चाचा के घर पहुंचते ही चिराग घर से चाचा जो है वहां पर गायब हो गए। 20 मिनट तक गेट पर इंतजार करते रहे चिराग, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजीपी की राजनीति में ये बहुत बड़ा ड्रामा इस वक्त यहां पर चल रहा है। चाचा के घर चिराग पहुंचे लेकिन घर में चाचा नहीं थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तमाम अटकलें लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर इस वक्त हैं, और उसके बीच में अभी ये सियासी ड्रामा जो चला 20 मिनट तक। पशुपति पारस के घर के बाहर हॉर्न बजाते रहे चिराग पासवान, दरवाजा नहीं खुला। कहा जाता रहा कि उस वक्त चिराग पासवान फोन पर बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। 20 मिनट के बाद चिराग पासवान के लिए चाचा के घर का दरवाजा खुला, उसके बाद वे अंदर गए। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और चलिए सीधा ब्रेकिंग सेंटर आपको लिए चलते हैं। चिराग पासवान का साथ किस किसने छोड़ा है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रत्युष ब्रेकिंग सेंटर पर मौजूद है। प्रत्युष, देखिए इस खबर को समझने के पीछे इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है इसे भी समझना पड़ेगा कि जो जिन सांसदों की बात की जा रही है वो सांसद हैं कौन। पशुपति पारस के अलावा कौन कौन से सांसद हैं जो कि अब चिराग को छोड़ करके पशुपति पारस के साथ आ गए। ये देखिए, पशुपति पारस सांसद है हाजीपुर से, ये सीट पहले रामविलास पासवान की हुआ करती थी। प्रिंस राज सांसद है समस्तीपुर से, ये चचेरे भाई लगते हैं चिराग के। चंदन सिंह सांसद है नवादा से, और ये मीना देवी सांसद है वैशाली से। ये वो सांसद हैं जो एलजेपी के, जो अब कहा जा रहा है कि वो, देखिए चौधरी महबूब अली कैसर ये सांसद खगड़िया से, ये तमाम सांसद अब चिराग को छोड़ करके अब वो पशुपति कुमार पारस के साथ आ गए। अब सवाल यहां पर यह है कि अब इनका रोल क्या है। कहा यह जा रहा है कि इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। सूरजभान सिंह का भी इसमें नाम सामने आ रहा है जो कि पूर्व एलजेपी के सांसद रह चुके हैं, ललन सिंह के बेहद करीबी हैं जो जेडीयू के नेता हैं, और ललन सिंह और पशुपति पारस के बीच में मुलाकात हुई, दिल्ली में यह मुलाकात हुई और उसके बाद यह सब कुछ तय हुआ। सभी सांसद एक साथ आ गए कि चिराग की अभी हमें एक भी नहीं सुननी है, पशुपति पारस पार्टी के अध्यक्ष होंगे और उन्हीं की अगुवाई में पार्टी आगे चलेगी। अब यहां पर सवाल यह है कि आखिर यह सब कुछ इतनी तेजी से क्यों होता चला गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। जेडीयू एलजेपी कोटे से एकमात्र मंत्री थे वो थे रामविलास पासवान, लेकिन उनके निधन के बाद अभी यह कोटा खाली है, यानी कि एलजेपी कोटे से एक सांसद यहां मंत्री बन सकता है। वो कौन होगा, चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है पशुपति पारस होंगे उसके लिए, शायद इसके लिए बातचीत भी चल रही है। दूसरी बात, जेडीयू के खेमे में भी इनके जाने की ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जेडीयू के सांसद 12 से ज्यादा सांसद जीत कर आए थे, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली। लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में इस तरह की खबरें हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है कि शायद जेडीयू को भी वहां पर जगह मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है वो बिहार का पॉलिटिकल ड्रामा दिल्ली में नजर आ रहा है। यहां पर चिराग पासवान चाचा के घर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी गाड़ी 20 से 25 मिनट तक दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन चाचा के घर का दरवाजा खुलता ही नहीं है। फिर उसके बाद खबर आती है कि साहब चाचा तो अभी घर पर है ही नहीं, यानी कि चाचा और भतीजे के बीच में अब कोई संवाद रहा ही नहीं। कई लोग अब यह भी कह रहे हैं कि लोजपा का यह चिराग अब लग रहा है टिमटिमा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान अब अकेले रह गए हैं। अब आप इसे समझिए कि विधानसभा चुनाव में अलग चलने का फैसला किया था चिराग पासवान ने, अलग उनकी रणनीति थी कि हम अलग लड़ेंगे। एक विधायक मात्र जीत करके आया था, वो था मटिहानी से, वो भी विधायक चला गया जेडीयू में। अब लोजपा के पास क्या है बिहार में, 0-0। अब यहां पर समझिए कि दिल्ली की सियासत में अब 6 सांसदों वाली अब ये पार्टी, उसमें से 5 एक साइड हो गए, तो चिराग क्या कर पाएंगे, चिराग अकेले पड़ गए। और अब ये देखिए वही चिराग पासवान आज ऐसी स्थिति है कि आज वो अपने चाचा के दरवाजे के बाहर खड़े हैं लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो अब क्या होगा आगे लोजपा का, यह थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। हितेन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हितेन, चाचा और भतीजे के बीच में मुलाकात होगी या नहीं होगी? देखिए मुलाकात तो होगी, क्योंकि चिराग पासवान अब घर के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए पहले अपने गाड़ी में बैठे थे आधे घंटे तक, इसी गाड़ी के पास पूरा ड्रामा चल रहा था, हाई वोल्टेज ड्रामा। उसके बाद दरवाजा खुला और वो अंदर पहुंच चुके हैं। मुलाकात होगी, निश्चित तौर पर मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात में क्या होता है मुद्दा बातचीत का, वो सबसे अहम है, क्योंकि अब चिराग अकेले पड़ चुके हैं। तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद क्या वो सरेंडर कर देते हैं,
चाचा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली कि क्योंकि जिस तरीके से समर्थन उन्होंने पूरा जुटा लिया। देखिए नाराजगी किस बात की है, नाराजगी लोजपा के जितने भी नेताओं से बात करो तो वो साफ साफ यही कह रहे हैं कि चिराग ने जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दुरुपयोग किया, खुद एक तरफा फैसला लेते गए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी मीटिंग बुलाकर फैसला लेते। आधिकारिक तौर पर तब होगा जब एलजेपी के ये बागी सांसद चुनाव आयोग से जाकर मिलेंगे और ये कहेंगे कि छह सांसदों वाली पार्टी में से पांच हमारे साथ हैं, इनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं पशुपति पारस से, तो क्या ये चुनाव आयोग जा रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, देखिए 3:30 का वक्त है, पशुपति पारस सभी सांसदों के साथ चुनाव आयोग भी जाने वाले, 3:30 का वक्त है, वो चुनाव आयोग जाएंगे, मुख्य चुनाव आयोग से वो मिलकर अपना समर्थन पत्र वहां पर देने वाले हैं और उसके बाद ही पूरी मांग उठेगी। लेकिन उसके पहले चिराग का यहाँ पहुंचना, झुककर पहुंचना, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि चिराग सरेंडर कर चुके हैं, चिराग के पास ऑप्शन कोई नहीं। अगर पार्टी के अंदर ही आपसी सहमति बन जाती है तो निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि चिराग भी जो है उनके साथ। लेकिन हितेन, क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि आपने ये भी साफ कर दिया कि बैठक तो होगी, चर्चा भी होगी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस बैठक और चर्चा में किसी तरीके से कोई बीच का सॉल्यूशन, बीच का रास्ता निकले? और रास्ता हो सकता है कि ये हो कि चिराग पासवान अपनी कुर्सी छोड़े, अपना पद छोड़े। देखिए बीच का रास्ता अब कोई बचा नहीं है चिराग के पास, अब समर्थन सीधा पशुपति पारस के पास है, 5 एमपीओ के साथ वो जो है पूरा समर्थन जुटा चुके हैं और पार्टी के अंदर भी यही अब देखने मिलेगा। जब पार्टी के अब कोई विधायक तो है नहीं, सिर्फ 6 सांसद है, उसमें से 5 एक तरफ हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के नेता भी जो है वो सभी सांसदों के साथ ही वो आम आ करते नजर आएंगे, ये राजनीति में अनुमान यही देखने मिलता है। तो चिराग के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, बीच का रास्ता है नहीं, पशुपति पारस को जो करना था वो खेल वो कर चुके हैं। हितेन, कोई रास्ता नहीं बचा चिराग पासवान के पास, तो इस संकट की घड़ी से वो उभरेंगे कैसे, क्योंकि बिहार की सियासत में, क्योंकि देखिए कल से ही इस पूरे मामले को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है, अब तक का सबसे बड़ा संकट चिराग पासवान के सामने खड़ा हो गया, क्या क्या चुनौतियां हैं हितेन? देखिए चुनौतियां सबसे बड़ी है कि पार्टी को अगर बचाना है तो सीधे तौर पर उन्हें झुकना होगा, चाचा के साथ चलना होगा, हाँ में हाँ मिलाना होगा कि ठीक है चलिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके का फैसला खुद चिराग लेते तो निश्चित तौर पर पार्टी बची रहेगी, अगर चिराग सरेंडर नहीं करते, नहीं झुकते, तो हो सकता है कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है कुछ दिन तक और चले और सभी के सभी सांसद जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास पहुँचेंगे भी अपनी मांग के साथ और वहां उनकी अनुमति के बाद जो है वो कुछ फैसला लिया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पार्टी टूटते हुए भी देखने मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नहीं हितेन, लेकिन राजनीति में ये देखा जाता है कि कोई भी राजनेता होता है, खासतौर पर बड़े पद पर अगर वो होता है तो कम से कम उसके कुछ नेता समर्थित तो होते हैं। क्या चिराग पासवान के पास उन 5 सांसदों से इतर क्या एलजेपी के नेताओं का कोई किरदार ऐसा हो सकता है जो चिराग पासवान के साथ खड़ा हो, चिराग पासवान के हक की बात कहे कि नहीं साहब हमें ये नेता चाहिए? देखिए एलजेपी के नेताओं का कैडर अगर खड़ा भी होता तो कहीं ना कहीं वो दिख जाता, क्योंकि पार्टी के अंदर किसी को भनक तक नहीं थी कि ये इतना बड़ा फैसला जो पशुपति पारस ले लेंगे, तो निश्चित तौर पर पशुपति पारस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो भी नेता अगर अब चिराग के साथ बचे भी होंगे तो उनका उतना वजूद नहीं रहेगा पार्टी के अंदर, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं देखा बिहार की राजनीति में, ये पहली बार नहीं हुआ, आरजेडी में भी यही हुआ था जब लालू प्रसाद यादव। देखिए टाइमिंग ऐसी है एलजेपी में फूट की या फिर पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, यह साफ साफ कहा जा सकता है। आपको याद होगा चिराग पासवान ने कहा था मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं, आज वो हनुमान अकेला पड़ गया है। यह जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें अब चिराग पासवान साइड कर दिए जाएंगे, पशुपति पारस होंगे उसमें, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही। यही मंत्री पद की पूरी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं प्रत्युष जो है ये बताई जा रही है, क्योंकि हर किसी को पता है कि रामविलास पासवान मंत्री थे, अब उनके रहने अब वो नहीं रहे तो कहीं ना कहीं एक उनके कोटे से एक मंत्री पद बचा हुआ है, चिराग कहीं ना कहीं उस मंत्री पद का दावेदार ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से सभी सांसदों को यही डर था कि जिस तरीके से चिराग वन साइडेड फैसला लेते आ रहे थे, चाहे विधानसभा चुनाव के वक्त का हो या पार्टी के भीतर का हो, तो इसी तरह ये फिर एक बार जो है मंत्री बनने के लिए वन साइडेड फैसला लेकर खुद
मौका ना आजमा ले, इसीलिए कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने पूरा का पूरा ये खेल जो है वो रचा। ये कहा जा रहा है कि मंत्री पद की ही लड़ाई है, पार्टी में जिसकी चलेगी वही मंत्री बनेगा निश्चित तौर पर। ये लड़ाई पूरी की पूरी इसी बात की, क्योंकि टाइमिंग अगर ऐसे में हितेन ये कहा जा सकता है कि आज अगर चिराग पासवान को किसी की सबसे ज्यादा कमी खल रही है तो वो रामविलास पासवान की। ठीक है हितेन, इसी पर बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एलजेपी में छिड़ी बगावत पर जेडीयू का बड़ा बयान सामने आया है। एलजेपी का आंतरिक मामला, जेडीयू का कोई भी लेना देना नहीं है। चिराग पासवान से एलजेपी सांसद नेता नाराज थे, केसी त्यागी ने यह बयान दिया। कहा जा रहा है कि जो सांसद नाराज हैं वो जेडीयू में भी जा सकते हैं, और ऐसे में जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, केसी त्यागी ने बात कही है। एलजेपी में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। जिस तरीके से आप देख रहे, पशुपति पारस जी ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखा है, उन्होंने कहा संसदीय दल के नेता के तौर पर वो चुने गए हैं, कैसे देखते हैं इसको? चिराग पासवान किस तरीके से साइडलाइन हो रहे हैं? नहीं, ये एलजेपी का आंतरिक मामला है, और ये लंबे समय से वहां पर अविश्वास और असंतोष का वातावरण था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए के मजबूत नेता थे, और लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने आरजेडी का लोकसभा में खाता भी नहीं खुलने दिया था। उनकी अकाल मृत्यु ने हम सब लोगों को दुखी किया, लेकिन जिस तरह विधानसभा चुनाव के दौरान उनका आचरण रहा, उसके रहते उन्होंने अपनी पार्टी का तो भट्टा किया ही किया, जेडी को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोगों की नज़रों में नीतीश कुमार का गौरवशाली व्यक्तित्व और जो संख्या थी जेडीयू की, वो आंखों में किरकिरी की तरह से थी। उन्हीं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चिराग पासवान ने अलग तरीके से चुनाव लड़ा, और उसको लेकर के एलजेपी के सभी कार्यकर्ता, नेता और सांसद नाराज थे। ये इतने दिन तक अविश्वास के वातावरण में चलता रहा, और अब वो प्याला से पानी बाहर आ गया और उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। इसका जेडीयू से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये आरोप गलत है कि जेडीयू के इशारे पर हो रहा। जो आंतरिक असंतोष है, जो उसकी कार्यप्रणाली है, ये ही मुख्य जिम्मेदार है इस बंटवारे के लिए। तो देखिए, 20 मिनट तक चिराग पासवान घर के बाहर खड़े रहे, लेकिन अब जब चाचा वहां नहीं मिले तो हालांकि तस्वीरें अब पूरी तरह से चिराग के मन में भी साफ हो चुकी होगी, लेकिन इधर जेडीयू ने भी ये साफ कर दिया है कि कोई भी लेना देना नहीं है हमारा इस मामले से, क्योंकि कहा जा रहा था जेडीयू का भी एक ऑप्शन हो सकता है एलजेपी के सांसदों के पास, नेताओं के पास, लेकिन फिलहाल जेडीयू अभी इस मामले से खुद को अलग कर रही है। केसी त्यागी को हमने आपको सुनाया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एलजेपी का आंतरिक मामला है, हालांकि चिराग के नेतृत्व को लेकर उन्होंने भी इशारों में सवाल जरूर खड़े कर दिए। इस पीछे एक और बड़ी खबर, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी बगावत। जी हां, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। पशुपति पारस की अगुवाई में ये बगावत हो रही है। एलजेपी सांसद पशुपति पारस ने पार्टी पर दावा ठोका है। पशुपति पारस ने अपने साथ 5 सांसदों के होने की बात कही। एलजेपी में 6 सांसद है, एक अगर चिराग पासवान को छोड़ दें तो बाकी बचे हुए 5 सांसद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के खिलाफ। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर को पत्र भी दे दिया है इन 5 सांसदों ने। पशुपति पारस का बयान है कि पार्टी तोड़ी नहीं, पार्टी बचाई है, चिराग अगर साथ रहे तो हमें परेशानी नहीं है, पशुपति पारस का ये बयान। जेडीयू में शामिल होने की खबर गलत, पशुपति पारस ने इस बात को एकदम साफ कर दिया। पारस ने कहा है कि हम एनडीए में रहना चाहते हैं। 6 सांसद हम लोग हैं, 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को आप बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ, और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी, लोक जनशक्ति पार्टी कोई किसी को मरवा नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है, और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है, हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए के साथ था और मैं आज ही हूँ, मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग सशरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया, जब अब वो ऑर्डर देंगे
बुलाएंगे तो हम तो पार्टी के अध्यक्ष भी आते रहेंगे कि लोकसभा में वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता को बनने दीजिए, उसके बाद की बात। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज है। योगी कैबिनेट ने बैठक शुरू कर दी है। योगी के दिल्ली दौरे के बाद ये पहली बैठक है और ऐसे में कहा जा रहा है कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है। तो देखिए हलचल काफी पहले से ही तेज थी, बैठकों का दौर लगातार जारी था और अब ये खबर मिल रही है कि योगी कैबिनेट की भी बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है जिसमें कई अहम फैसले अभी लेना है। योगी के दिल्ली दौरे के बाद ये अब तक की सबसे पहली बैठक है और देखना होगा कि उस बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आया जिसके बाद ये लखनऊ में हो रही बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, गृह मंत्री से मुलाकात के बाद, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है। इधर पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, इसके बाद तमाम अटकलों पर ब्रेक लग गया है कि आलाकमान से योगी आदित्यनाथ की कुछ अनबन चल रही है। बुजुर्गों के लिए चलाई गई योजना की तारीफ पीएम मोदी ने किया और कहा कि बहुत अच्छा काम सभी 75 जिलों में योगी सरकार ने शुरू की है ये योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और साथ ही उन तमाम अटकलों पर भी रोक लगा दी। प्रत्युष हमारे सहयोगी ब्रेकिंग सेंटर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रत्युष, आज का दिन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो कैबिनेट की मीटिंग, मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों के साथ बैठक योगी आदित्यनाथ करेंगे, ये रुख साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने सोचा क्या है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, और साथ ही साथ पीएम मोदी की ये तारीफें साफ बताती हैं कि अब जो अनबन की खबरें थी आलाकमान से अब वो खबरें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अनुराग, सबसे बड़ी खबर ये है प्रधानमंत्री के इस मैसेज के बाद कि जो बीजेपी के अंदर जो उठा पटक या मनमुटाव की खबरें आ रही थी उस पर एक तरीके से ये मैसेज, ये खबर विराम लगाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना ये बड़ी बात है कि यहां उत्तर प्रदेश सरकार में काम बहुत अच्छा हो रहा है, 75 जिलों में जो योगी सरकार ने योजना शुरू की है ये बहुत अच्छी योजना है। जो ब्लूप्रिंट लेकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लखनऊ आए हैं अब उनको यहां पर उनको इंप्लीमेंट करना है। एक तरीके से केंद्रीय आलाकमान से भी उनको हरी झंडी मिल चुकी है कि यहां पर बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। टीम हमारे साथ तुषार भी इस पर जुड़ चुके हैं। तुषार, प्रधानमंत्री ने तारीफ की, हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, लेकिन इस बार दिल्ली में चली बैठकों के बाद और पार्टी के अंदर इस तरह की खबरें आती रही कि मनमुटाव है, यह मैसेज विराम लगा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से तमाम सियासी हलचल थी, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध ठीक नहीं है और कुछ उत्पन्न हो गया, इसको लेके अब जो विराम लग चुका है वहाँ पर मिलकर भी दिल्ली में। तुषार, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, तो तुषार भी यही बात बता रहे हैं कि एक तरीके से अटकलों पर विराम लग चुका है। जो पार्टी के अंदर मनमुटाव की खबरें चल रही थी, प्रधानमंत्री के द्वारा तारीफ करना योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से उनको ग्रीन सिग्नल है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे और उन्हीं के चेहरे के साथ बीजेपी अगले इस चुनाव में जाने वाली है। टीम को लेकर दिल्ली में रणनीति बन चुकी है, अब देखना है कि कब उसका पटाक्षेप होता है या कब उसका खुलासा होता है कि इस टीम में, नई टीम में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष आपका इस खास जानकारी के लिए। तुषार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हर एक अपडेट, चाहे वो बिहार की राजनीति से जुड़ी हो, चाहे योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर हो या मंत्रिमंडल के साथ बैठक को लेकर हो, जी हिंदुस्तान हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द आ सकता देखते रहिए जी हिंदुस्तान।